हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एंजल वन ऐप से ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं और यहां से आप लोगों को एग्जिट कैसे होना होता है, ये सारा कुछ आज के वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कॉल पुट क्या होता है और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे आप लोगों को ट्रेड करना होता है और कितना रुपये आपका कैपिटल लगता है ऑप्शंस ट्रेडिंग पे, ये सारा कुछ आज के वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो पे आप लोगों को अंत तक बने रहना है। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग अभी तक एंजल वन ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराए हैं तो जाइए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करना है और आप लोगों को अकाउंट ओपन करना है एंड एंजल वन ऐप से अपना ट्रेडिंग का जर्नी स्टार्ट करना है। ओके, तो अब मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप लोग एंजल वन ऐप से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा चुके हैं, अब आप लोग यहाँ से अपना ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। ओके, तो गाइस, जैसे ही आप लोग अपने ऐप को लॉगिन करेंगे ना, आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देता है। ठीक है, आप लोग अपने ऐप को लॉगिन करेंगे तो आप लोगों को भी ऐसा ही कुछ दिखाई देगा। अब आप लोगों को पता है, इंडिया पे मोस्टली जो ट्रेडर है वो तो या निफ्टी 50 पे ट्रेड करते हैं, या बैंक निफ्टी पे, या सेंसेक्स या मिड कैप निफ्टी, इस पे ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम भी बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 पे ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे। तो हम ना बैंक निफ्टी पे ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, ये बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को क्लिक कर देते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शंस को क्लिक करने के बाद गाइस, ये नीचे पे आपको ऑप्शन चैन का ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा, तो इसी ऑप्शन चैन के ऑप्शंस को आप लोगों को क्लिक करना है। ओके, अब आप देख पा रहे हैं, आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। ये जो बीच पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है ना, हम इसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और इधर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका कॉल साइड का प्रीमियम है। इधर आपको डेटा दिखाई दे रहा है, ये आपका पुट साइड का प्रीमियम है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मार्केट हमारा ऊपर जा रही है, ये आप देख पा रहे हैं आपका मार्केट ऊपर जा रही है, तो आप क्या करेंगे, कॉल साइड के प्रीमियम को बाय करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है मार्केट आपका नीचे गिर रही है तो आप क्या करेंगे, पुट साइड के प्रीमियम को बाय करेंगे। आप दोनों कंडीशन पे बाय करेंगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे गिरे, आपको दोनों कंडीशन पे बाय करना है। मार्केट ऊपर जा रही है कॉल बाय, मार्केट नीचे गिर रही है पुट बाय। लॉजिक क्लियर है? ठीक है, आप अभी आप देख पा रहे हैं मार्केट हमारा क्या हो रहा है, मार्केट हमारा कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय करेंगे। अगर मार्केट नीचे गिर रही होती तो क्या करते, पुट बाय करते। मतलब कि आप चीजें समझ रहे हैं, कवर कर रहे हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हमको कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड करना है। तो देखिए, आप अपने कैपिटल के हिसाब से यहाँ स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे। और अभी मैं बता दूँ, मेरे इस डीमैट अकाउंट पे कम फंड है तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा नीचे आ करके कॉल बाय करूँगा। तो थोड़ा सा नीचे स्लाइड करता हूँ, थोड़ा सा और नीचे स्लाइड करता हूँ, ये देख पा रहे हैं, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके स्ट्राइक प्राइस है। आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, 51,300 हमारे पास एक स्ट्राइक प्राइस है जिसका प्रीमियम चल रहा है 11.20, इसी पे हम क्या करने वाले हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसी को सिंपल क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहां देखिए बाय और सेल का ऑप्शन आ रहा है, तो हम क्या है, हम एक ऑप्शन बायर हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल बाय के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो चलिए हम बाय के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं। बाय के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। ये टॉप पे आपको कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे का ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, तो यहां आपको सिंपल इंट्राडे के ऑप्शन को क्लिक करना है। यहां नंबर ऑफ लॉट, ठीक है, मैं आपको बता दूं, बैंक निफ्टी पे आपका एक लॉट 15 क्वांटिटी का आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो कर रहा है, एक लॉट 15 क्वांटिटी का, दो लॉट 30 क्वांटिटी का, तीन लॉट 45 क्वांटिटी का। ठीक है, तो आप इसी टाइप से सीरीज पे ट्रेड करेंगे, 15, 30, 45, 60, है ना, 75, 90, इस टाइप के सीरीज पे आप ट्रेड करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं यहाँ 10 क्वांटिटी या 20 क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकता हूँ क्या, तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपको इसी टाइप के सीरीज पे ट्रेड करना पड़ेगा, 15, 30, 45, 60, है ना। तो अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं, इसलिए हम सिंपल एक लॉट के साथ यहाँ ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ एक ऐड कर दिया। उसके बाद गाइस, यहाँ आपको सिंपल मार्केट सेलेक्ट कर देना है। मार्केट सेलेक्ट करना एकदम जरूरी है गाइस, यहाँ पे मार्केट
सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, तभी आपका ऑर्डर मार्केट में प्लेस होगा। उसके बाद आपको सिंपल प्लेस बाई ऑर्डर के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम प्लेस बाई ऑर्डर के ऑप्शंस को क्लिक करते हैं, कन्फर्म के ऑप्शंस को क्लिक करते हैं। हमारा ऑर्डर जो है मार्केट पर प्लेस हो चुका है। अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर दिखेगा वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपको हल्का सा बैक करना है, एक बार और बैक करना है। अब आपको ये नीचे पे ऑर्डर्स का ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा, बस इसी ऑर्डर्स के ऑप्शंस को क्लिक करना है। और उसके बाद आपको ये पोजीशंस के ऑप्शंस को क्लिक कर देना है गाइस, इसको, ठीक है। तो चलिए हम पोजीशंस के ऑप्शंस को क्लिक कर देते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चलना शुरू हो चुका है, और जहाँ पे हमने एंट्री किया है वहाँ से हमारा प्राइस ग्रो करना शुरू हो चुका है, और हमको लगभग 3 रुपये, 3.5 रुपये, 4 रुपये समथिंग का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका चलते रहेगा, है ना। अगर आप सही डायरेक्शन में ट्रेड किए हैं तो आपको बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ऑप्शन से अनलिमिटेड पैसा बनाया जा सकता है, और अनलिमिटेड आप मनी भी लूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुली, थोड़ा सा समझ के आप काम करेंगे तो आप यहाँ से बड़ा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक लॉट के साथ ट्रेड किए हैं और हमने 10 रुपये 55 पैसे के रेंज पर एंट्री किए हैं। अभी इसका प्राइस चल रहा है 10 रुपये 85 पैसे का, इसलिए हमको यहाँ प्रॉफिट दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चलते रहेगा। अगर हम सही डायरेक्शन में हैं तो हमको प्रॉफिट होगा, अगर हम गलत डायरेक्शन में हैं तो हमको लॉस होगा, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है यार मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट हो गया, मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, ठीक है। तो जो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस चलते रहेगा ना गाइस, ये इसी को आपको क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आप देख पा रहे हैं आपको एग्जिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, बस इसी एग्जिट के ऑप्शंस को आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, मार्केट के ऑप्शंस को क्लिक करना जरूरी है, तभी आप यहाँ से एग्जिट हो पाएंगे। तो हम ये मार्केट के ऑप्शंस को क्लिक कर दिए एंड सिंपल एग्जिट के ऑप्शंस को क्लिक कर दिए, और हम जहाँ से ट्रेड किए थे वहाँ से हम एग्जिट हो चुके हैं, और यहाँ से हमको अप्रॉक्स 0.75 पैसे का लॉस भी हो गया, ठीक है। तो गाइस इस टाइप से आपको एंजल वन ऐप से ऑप्शंस ट्रेडिंग करना होता है, काफ़ी आसान है। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये वीडियो एक दो बार और देखिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। और कुछ भी क्वेरी हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को और सिखाने की कोशिश करूँगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ओके। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मैं इस टाइप के वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, और अगर आप लोग इस टाइप के वीडियोज़ देखते हैं तो हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, ओके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, नए वीडियो पे मिलते हैं जल्दी।